टूरिस्ट में एंट्री होते ही समझ में आ गया कि कैपिटल सिटी है, काफी सारी रेड लाइट्स, काफी ज्यादा ट्रैफिक, ऐसा लगता है पूरे के पूरे मॉरिशस के लोग वो टूरिस्ट में ही रहते हैं। कंपाउंड फोर्ट के अंदर का किसी फोर्ट का काम होता था किसी स्पेसिफिक जगह पे नजर रखना कि कोई दुश्मन हमला ना करते। इस फोर्ट का काम था पोर्ट लुइस की रक्षा करना, द मेन पोर्ट। ये फोर्ट राजस्थान के फोर्ट्स की तरह बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा फोर्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि जो पीछे पोर्ट है पोर्ट लुइस उसकी निगरानी कर सके। इसको बनवाना शुरू किया था फ्रेंच ने, कंप्लीट किया ब्रिटिशर्स ने। जो मस्त बात है इस जगह की वो है यहाँ से व्यूज़। एक हिल टॉप पर बना हुआ ये फोर्ट है, चारों तरफ 360 डिग्री व्यूज़ हैं पोर्ट लुइस सिटी के। कैपिटल होने के बावजूद भी बहुत बड़ा सा शहर नहीं, छोटा सा शहर है। पीछे पोर्ट दिख रहा है, इंडियन ओशन व्यूज़ के लिए इस फोर्ट को डेफिनेटली आप आएंगे तो मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है फोर्ट एडिलेड से पोर्ट लुइस सिटी के व्यूज़। अपने देश का कोई ब्रांड अगर इंडिया के बाहर दिखता है तो बड़ी खुशी होती है। पीछे इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप दिखा, खुशी हुई देख के। सामने बहुत सारे झंडे लहरा रहे हैं, लिखा है मेयर द पोर्ट लुइस। मैं समझ पा रहा हूँ मेयर का ऑफिस है, आप लोग को पता तो बताइए। इंडियंस का हिस्टोरिकल क्या कनेक्शन है मॉरिशस के साथ, उसके लिए अप्रवासी घाट से ज़्यादा बेहतर जगह कोई भी नहीं हो सकती है। ये है वो जगह जहाँ पे पहली बार इंडेंचर्ड इमिग्रेंट्स ने कदम रखे थे मॉरिशस में, अप्रवासी घाट। मैं अभी आया हूँ अप्रवासी घाट पे। यहाँ आके मुझे समझ में आया कि जब अंग्रेज़ों ने फ्रांस से अपने पास कंट्रोल लिया मॉरिशस का, उसके बाद पहले स्लेव्स आते थे, बाद में वो स्लेवरी ख़त्म करने के लिए इंडेंचरिंग शुरू हुई। इंडेंचरिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट करके एक शॉर्ट टर्म के लिए लेबर्स को लेके आया जाता था इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, ईस्ट अफ्रीका से, मोजाम्बिक से। उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या होती थी वो इंडिया से ही होती थी, सुगर केन फील्ड्स में काम करने के लिए। एग्जैक्टली यही वो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, इसी जगह पर सबसे पहले इंडेंचर्ड लेबर ने अपने कदम रखे थे मॉरिशस के अंदर। तब से अभी तक सिचुएशन ये है कि 68% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है मॉरिशस में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। 2006 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इस बोर्ड पे सारे उन लोगों के नाम हैं जो कि 1834 में एटलस नाम के शिप पे लाए गए थे इंडेंजर करके अलग अलग जगहों से। इसमें नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा ज़्यादातर लोग इंडिया से ही थे। और इस बोर्ड का इनाग्रेशन हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन्होंने किया था। यहाँ लिखा हुआ है कि अभी आज की डेट में ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंट्री या ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर को लाया गया, और लगभग 462,000 से ज़्यादा इंडेंचर्ड लेबर लाए गए थे इंडिया के अलावा चाइना, कॉमलोस, सारी कंट्रीज से आते हुए, पर मेजरली इंडिया से। ये उन लोगों की फ़ोटो है जो लोग एज अ लेबर आए थे। ये कार्ट यूज़ किया करते थे पहले शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो उस समय लेबर्स आते थे उस तरह के घर में मिट्टी के
और पुआल के घर में रहा करते थे। ये एक सैंपल हाउस लेबर्स का। काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी डिटेल्ड सा म्यूज़ियम है, काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, आँख खुल जाती है एक्चुअली कि क्या सिचुएशंस थी उस समय देश में लोगों की। ये अपना अपना घर छोड़ के लोग चले जाते थे, परिस्थितियाँ अभी भी बदली नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ से लेबर्स बहुत सारे मिडिल ईस्ट में जा, बहुत सारी कंट्रीज में मिडिल ईस्ट के जाते हैं काम करने के लिए। समय बदल गया, परिस्थितियाँ लगभग अभी भी वैसी ही हैं। काफ़ी टाइम लगा सिग्नल ग्रीन होने में रोड पे। यहाँ की ट्रैफिक आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी इंडियन मेट्रो सिटी से, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। ये पोर्ट लुइस का मार्केट, मैं अभी जा रहा हूँ सेंट्रल मार्केट की तरफ। कोई भी बड़ा मार्केट होता है तो उसके बगल में मार्केट बन ही जाते हैं बड़े बड़े। ये सेंट्रल मार्केट के बाहर का सेंट्रल मार्केट है, बाहर वाला है। देखिए आप लोग अपनी आंखों से, हर तरह के कपड़े की दुकान है। कितने का है? 5 रुपया। 5 का 1। गर्म है ठंडा है? नॉर्मल है। नॉर्मल है, एक दीजिए ना। ऐसे दे दे, इधर ही खाने का है, खा के देखूँ कैसा है। थैंक यू। ये दाल वड़ा है ना? हाँ, दाल वड़ा मॉरिशस के सेंट्रल मार्केट के पास। ऐसा नहीं बनाते हैं तो मैं बनाता हूँ। बहुत बढ़िया है, कोई नहीं बनाता है इधर। बहुत बढ़िया है, मज़ा आया। वो दाल पूड़ी है? ठेकुआ है। ठेकुआ है, अच्छा ठेकुआ और दाल वड़ा पोर्ट लुइस के अंदर। प्रॉपर इंडिया लग रहा है, लग ही नहीं रहा इंडिया के बाहर है। बहुत बढ़िया टेस्ट। राजा राम जी ने इतना बढ़िया दाल वड़ा खिला कि एक और खाने का मन किया, एक और ले लिया मैंने। और इनके दुकान में ठेकुआ भी मिलता है, ठेकुआ इंडिया का मतलब ईस्टर्न यूपी में और बिहार में काफ़ी ज़्यादा बिकता है। बिकता नहीं है, खाली फेस्टिवल में बनता है, बिकता तो खैर कहीं भी नहीं ठेकुआ इंडिया में। यहाँ ठेकुआ भी बिक रहा है। मीठा खाने की इच्छा नहीं थी, नहीं वो भी ट्राई करता। इसका प्राइस भी सिर्फ 5 रुपये, 5 मॉरिशियन रुपये, 10 में 2 इंडियन करेंसी में 20 रुपये। हेलो, अपना प्रणाम। पाइनएप्पल, लीची, सब्जियाँ 30 रुपये का, टमाटर, आलू, प्याज। एस्केलेटर भी लगा हुआ है लेकिन कभी चला नहीं है ऐसा लगता है। ऊपर यहाँ पर भी कपड़े ही हैं कपड़े। सोविनियर्स, ये सेक्शन है पूरा क्राफ्ट आर्ट वर्क और सोविनियर्स का। जो मैंने फ्रिज मैग्नेट्स वहाँ से खरीदे थे, आपने देखा होगा ग्रैंड रिवर गॉर्ज व्यू पॉइंट से, 120 में 3 दिए थे, यहाँ 100 रुपये 150 रुपये में 1 दे रहा है। वे टू हाई। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही है सेंट्रल मार्केट, अभी मैं उससे बाहर निकला। प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई साइड पे हैं और बहुत ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं। आप आएँगे तो सिर्फ देखने के लिए आ सकते हैं, ख़रीदने जैसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो इस मार्केट के बाहर ही ज़्यादा बेटर रेट्स में अंदर के मुकाबले, इसीलिए अंदर लोग खाली बैठे हुए थे, बाहर फिर भी दुकानदारी हो रही है। ये है मॉरिशस का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, अप्रवासी घाट के बिल्कुल पास में है। इस पूरे एरिया में कॉलोनियल फीलिंग बहुत ज़्यादा है पूरे आर्किटेक्चर में। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने बनाया है, कॉलोनियल फीलिंग तो रहनी ही है। ये है पोर्ट लुइस का वाटर फ्रंट, बढ़िया जगह है। पीछे है पोर्ट लुइस का पोर्ट और इधर बहुत सारी बिल्डिंग्स चारों तरफ इस पानी के। यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी है, ईटरीज हैं काफ़ी सारी, वही चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं। पर यहाँ खड़े होके काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी के किनारे खड़े होने में वैसे ही अच्छा लगता है। ये है कॉर्डन वाटर फ्रंट,
वीकेंड्स पे जगह काफ़ी एक्टिव होती होगी ऐसी मुझे फीलिंग है, और यहाँ पे क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगा दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन मैंने पूछा एक भाई साहब से तो उन्होंने बताया कि सर मंडे को बंद रहते हैं सारे सारे स्टॉल्स। यहाँ एक स्टॉल पानीपुरी का भी था, खुला होता तो मज़ा आता। सारे ही फूड काउंटर सही बंद है, एक ही खुला हुआ था फ्रूटी स्वर्ल करके। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर किया मैंगो स्मूदी, 180 रुपये पानी में डूब गया, एकदम ही खट्टा है। हम मैंने तो पीछे वो दाल वड़ा खा लिया था मार्केट में, इतने पेट भरा हुआ था, पर अगर आप यहाँ पे इंडियन खाना तलाश रहे हैं तो आप इंडियन खाना खा सकते हैं। काफ़ी सारे इंडियन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं इस कॉटन वाटरफ्रंट के फूड कोर्ट में। चाइनीज पिज्ज़ा सारे आइटम हैं यहाँ पे, सेटिंग भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे बैठ के खाने के लिए। शॉप्स भी हैं काफ़ी सारी कपड़ों के ब्रांड। इवनिंग स्नैक्स से डिनर के टाइम ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। ये जो कॉर्डन वाटरफ्रंट है पूरी तरह से एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, इन्वेस्टेक का ऑफिस है, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं, एक कैसीनो है, कैफ़े है, फूड कोर्ट है, काफ़ी कुछ है इस वाटरफ्रंट पे। मैं कुछ कम ही बता गया क्या क्या है, देख लीजिए। यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, एक की है, इसके अलावा बहुत सारे क्राफ्ट मार्केट हैं, कैफ़ेज़ हैं, एक थिएटर भी है। आपने मॉरिशस की तस्वीरें देखी होंगी कभी भी, ऐसी छतरियाँ ज़रूर देखी होंगी, बहुत ही फेमस है ये छतरियाँ। और यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं, यहाँ पे सोविनियर्स मेनली मिल रहे हैं। जितना मैंने पहले बताया था देखा था उससे भी कहीं ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन फूड के, और इंडियन फूड के अलावा चाइनीज़ इटालियन हर तरह का खाना है। अगर आप फोर्ट लुइस के आसपास भी कहीं हैं तो यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी सी जगह है, बहुत ही पीसफुल और वाइब्रेंट सी वाइब है। कंट्राडिक्ट्री मुझे पता है, पीसफुल वाइब्रेंट एक सब कह सकते हैं, बट आप आएँगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ड्यूस में एक बहुत ही सुंदर सा बना हुआ नया मंदिर है साउथ इंडियन स्टाइल में, चलिए अंदर चल के भगवान का दर्शन करते हैं। अंदर जाके मैंने लोगों से बात की तो पता चला ये शिव जी का मंदिर है, नाम है शुकलिंगम मीनाक्षी मंदिर, और तमिल कम्युनिटी ने बनवाया इस मंदिर को यहाँ पे। और अभी अंदर अभिषेक की तैयारी चल रही है, इसलिए फिलहाल कपाट बंद किए गए थे, पूजा चल रहा था तमिल में। कपाट शायद 6:30 बजे खुलेंगे। भोलेनाथ की जय जयकार। ये वाला व्लॉग यहीं तक, मैं अगले हफ्ते फिर से मॉरिशस का एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, स्क्रीन के कॉर्नर पे मॉरिशस का प्लेलिस्ट है, वो चेक कर लीजिएगा, अभी तक मैंने मॉरिशस में क्या क्या किया है।